स्थित ज्ञानव्यापी परिसर के स्वामित्व विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सिविल विवाद की पोषणीयता पर बहस हुई। हालांकि हाईकोर्ट में आज बहस पूरी नहीं हो सकी। अब 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ है। 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। यह मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं। जजमेंट रिजर्व करने के बाद अदालत फिर से अर्जियों पर सुनवाई कर रही है। गाँव में बहस के लिए तिथि नियत थी। ये 5 रिट याचिकाएं, 2 रिट याचिकाएं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा और 3 रिट याचिकाएं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के द्वारा दाखिल की गई हैं। हिंदुओं के पक्ष में जो आदेश 2 न्यायालयों द्वारा जिला जज वाराणसी के न्यायालय से हुआ है, उसके विरुद्ध ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 7 दिसंबर 2023 को मैं तिथि नियत कर रहा हूं और 10 बजे से मैं इसकी हियरिंग शुरू कर दूंगा।